सुपीरियर स्टडी चैनल देखने वाले पंजाबी दे सिख्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है जी। इस चैनल पर आप पहला 3 मॉक टेस्ट कर चुके हैं पंजाबी व्याकरण नाल संबंधित, जिन्हों का विशा सी पंजाबी भाषा ते लिपि। उस विषय में ही जारी रखते हुए आप अज करांगे चौथा मॉक टेस्ट। पहले तीनों मॉक टेस्ट के जो लिंक ने वो तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मिल जाएंगे। जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखिया तो वह देख सकते हैं। अज का जो मॉक टेस्ट है इस विच कुल 15 प्रश्न होंगे ते तुहानू उत्तर नू लभन दे लई 10 सैकेंड मिलेंगे। जे ज़्यादा समा चाहते हो तो तुसी वीडियो नू रोको ते अपने उत्तर ते पहुँचो। कल आपां कीते सी 42 तक प्रश्न ते अज अपना जो पहला प्रश्न रहेगा वह 43 नंबर होएगा। करदे हां जी आपां शुरू अज का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नंबर 4 पंजाबी भाषा ते लिपि नाल संबंधित तुहाडा पहला प्रश्न आ रहा है, भाषा का वह रूप जिसनों सारिया उपभाषावान वाले वरतते हैं। स्थानिक भाषा, सांझी बोली, टकसाली भाषा या फिर बोलचाल की भाषा। अपना उत्तर रहेगा टकसाली भाषा। अगला प्रश्न होएगा, टकसाली भाषा बनने लई आधारित विशेषतावां हन। ऑप्शन नंबर 1 वधेरे बुलारे, ऑप्शन नंबर 2 भूगोलिक केंद्रीय स्थिति, ऑप्शन नंबर 3 राजनीतिक ते धार्मिक खेत्र, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ये सारी। तड़ा उत्तर होएगा जी ए सारी। क्यों? क्योंकि जिहड़ी भी भाषा टकसाली भाषा होएगी उसनू बोलण वाले जो लोग ने वह ज़्यादा होने चाहिए है। दूसरा, जिस खेत्र दे विच वह भाषा बोली जाएगी उस खेत्र दे विच जो भूगोलिक केंद्रीय स्थिति होनी चाहिए है, मतलब वह मध्य दे विच होना चाहिए। अगला है जी राजनीतिक ते धार्मिक खेत्र, मतलब उस खेत्र दे विच राजनीतिक ते धार्मिक जो सरगर्मियां होनियां चाहीदियां। इस करके आपां इसका उत्तर लाया, किहड़ा उत्तर लाया जी ए सारी। अगला प्रश्न है जी, व्यक्तिगत भाषावां विच बखरेवें का कारण है, जिहड़ियां आपां परसनल लैवल ते कहिंदे आ कि वह इस तरह बोलदा है, उस तरह बोलदा है ना, तां इहदे विच बखरेवें का की कारण है? लिंग ते उमर, जात ते धर्म करके, किते दा करके, जां फिर इह सारे ही कारण मन्ने जाणगे। आपां इसदा उत्तर करांगे ए सारे। क्यों करांगे जी? क्योंकि जो लिंग ते उमर है, जात ते धर्म है, ते किता मतलब जिथे कोई इंसान काम करदा है, ये सारिया चीज़ा ही प्रभाव पाउंदियां किसी इंसान दे बोलन दे उत्ते। इस करके अपना उत्तर होएगा ए सारे। अगला प्रश्न, स्थिति अनुसार भाषाई रूपां नूं वर्तन वाली भाषा है। समाजिक भाषा, रजिस्टर भाषा, उपभाषा या फिर कोई नहीं। हाँ जी, इसका उत्तर होएगा रजिस्टर भाषा, जिन्हों आप किते नाल संबंधित भाषा भी कह दें। अगला प्रश्न है जी, शिष्टाचार की भाषा नहीं है रजिस्टर भाषा, अपभाषा, स्लैंग या फिर 2 ते 3 ऑप्शन दोवें, मतलब अपभाषा ते स्लैंग दोवें। साडा उत्तर होवेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो अपभाषा है उसनू अंग्रेजी दे विच स्लैंग बोलदे आ, इस करके साडा उत्तर 4 नंबर ऑप्शन होवेगा। अगला प्रश्न है जी, माझी उपभाषा नू मन्या जांदा है, टकसाली भाषा, म्यारी भाषा, केंद्रीय भाषा या फिर ये सारियां।
हाँ जी उत्तर करांगे ए सारियां, क्योंकि जो टकसाली भाषा है उसनों ही म्यारी भाषा कह दें हाँ, तो उन्होंने ही आप केंद्रीय भाषा कह दें। अगला प्रश्न है, किसे देश की एकता दर्शाने वाली भाषा है? अंतरराष्ट्रीय भाषा, हिंदी, राष्ट्रीय भाषा या फिर उपभाषा? इसका उत्तर करांगे जी राष्ट्रीय भाषा। इतने आप उत्तर हिंदी क्यों नहीं किया, अंतरराष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं किया, उपभाषा क्यों नहीं किया? क्योंकि जे वो पूछते अपन सारे प्रदेशों की जां पूरी दुनिया की तो फिर अंतरराष्ट्रीय भाषा कहना सी। जे प्रश्न के पूछा हों कि जो भारत है उसकी जो एकता है उसनों दर्शाने वाली भाषा कि है, फिर आप हिंदी करना सी। जे वो पूछते कि किसी खेत्र की जो एकता दर्शाने वाली भाषा है, फिर आप उपभाषा कर दे। हुण प्रश्न के पूछा गया है किसी देश की, किसी देश का नाम नहीं दिता हुआ उन्होंने, किसी देश बारे लिखा हुआ, ता करके आप उत्तर लाया राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, भाषा नूं लिखण लई वरते जाते मुढ़ले चिन्ह हन विराम चिन्ह, लिपि, अक्षर या फिर कोई नहीं? कोई भी नहीं। हाँ जी इसका उत्तर करांगे आपां अक्षर। हुण आपां इत्थे लिपि उत्तर क्यों नहीं लगाया? लिपि नूं भी तां आपां चिन्ह ही मानदे हां जो भाषा नूं अंकित करन दे लई जां लिखण दे लई आपां वरतदे हां। अक्षर इहदा उत्तर क्यों आया? क्योंकि जो अक्षर ने अक्षर मिलके ही की बनाउंदे ने, लिपि बनाउंदे ने। ठीक है, ते उन्होंने आपां नूं पुछिया मुढ़ले चिन्ह पहलां किहड़ी चीज़ है लिपि ते अक्षर दे विचों, तां आपां आंसर अपना चूज़ कीता अक्षर। ठीक है जी, अगला प्रश्न करांगे, अक्षर दियां किस्मां हन? जो अक्षर ने उन्हां दियां किस्मां चार, तीन, दो या फिर पांच? हाँ जी इसका उत्तर होएगा अक्षर दियां किस्मां ने चार। केड़े केड़े वो आप अगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जी, अक्षर दी किस्म नहीं है, इन्हां विचों एक किस्म है जिहड़ी अक्षर दी नहीं है। स्वरते व्यंजन, अनुनासिक, लगाखर या फिर दुत? सही उत्तर है जी लगाखर, क्योंकि स्वर ते व्यंजन तुहानू पता ही है, स्वर उड़ा ऐड़ा ते ईड़ी ते बाकी दे सारे व्यंजन। अनुनासिक जिहड़े मगरले अक्षर हुंदे ने, मतलब नासिक धुनियां जिहड़े नक राही निकलदे आ, पंज ने अपने कोले अनुनासिक। ते जिहड़े तो दुत अक्षर ने ये पैरां दे विच पैंदे ने, तीन ने साडे कोल हाहा, अरारा ते वाहवा, मतलब ये सारे हो गए अक्षर। पर जिहड़े लगाखर ने बिंदी, आदक ते टिप्पी, ये अक्षरां दी किस्म दे विच नहीं हन। ठीक है जी, तो साडा उत्तर आएगा लगाखर। अगला प्रश्न, निर्जीव चीज़ां दे लिंग दा पता लगदा है वरतों दे आधार ते, हमेशा पुलिंगी हुंदे आ, रचना दे आधार ते जां फिर इन्हां चों कोई नहीं? सही उत्तर करांगे वरतों के आधार पर। जो आप किसी निर्जीव चीज़ में है ना, मतलब जी कोई भी चीज़ है ना, उन्होंने आप वरतते हाँ उदों आपको पता लगता कि स्त्री लिंग के रूप में आऊगी या फिर पुलिंग के रूप में आऊगी। अगला प्रश्न, किस
ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਵਨ, ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ, ਅਦਭੁਤ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਲਾ। हाँ जी, सही उत्तर रहेगा छोटी किताब, क्योंकि जो विशाल भवन है, अद्भुत दृश्य है, पुरातन किला, ये सारे पुलिंग रूप दे विच दित्ते हुए हैं, पर जो छोटी किताब साढ़े कोले शब्द ने ये स्त्री लिंग च है, इस करके साडा उत्तर आएगा छोटी किताब। अगला प्रश्न, भाषा चिन्ह प्रणाली है, कथन है, ये जो कथन है वो किसने दिता कि भाषा चिन्ह प्रणाली है? सॉस्यूर ने, हैलिडे ने, चोमस्की ने, या फिर डेरिडा ने? हाँ जी, सही उत्तर है सॉस्यूर ने, उसने कहा कि भाषा चिन्ह प्रणाली है। अगला प्रश्न, भाषा सिस्टमां दा सिस्टम है, एक इस दा कथन है, सस्यूर दा, हैलिडे दा, चोमस्की दा, या फिर डेरिडा दा? हाँ जी, इसका उत्तर है हैलिडे, एक कथन हैलिडे दा। अगला प्रश्न करांगे, सब तो पहला भाषा का विज्ञानिक अध्ययन किया जॉर्ज ग्रीयरसन, सॉस्यूर, डेरिडा, जा इन्हां विचों कोई नहीं? हाँ जी, इसका उत्तर होएगा जॉर्ज ग्रीयरसन। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ,